पेरिस के जेम्बॉन ब्यूरे एक स्टार्टअप कंपनी ने हाल में एक शानदार इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बनाई है। इस इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल का नाम ग्लोरिया है। कंपनी ने इस प्रोजेक्ट में इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल का बिल्कुल अलग रूप पेश किया है। इस कंपनी की शुरुआत बेंजामिन कोटार्ड और एंटोनिन गुडिसे ने की है और इसकी शुरुआत कस्टम मोटरसाइकिल शॉप के रूप में हुई है। यह आने वाले समय में पूरी तरह इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बनाने वाली कंपनी बन सकती है। ग्लोरिया प्रोजेक्ट जवान ग्राहकों को टारगेट करने पूरा किया गया है और यह कंपनी इस बाइक के बड़ी मात्रा में उत्पादन की ओर बढ़ रही है। यह सिर्फ अलग किस्म की इलेक्ट्रिक बाइक नहीं होगी, इसकी शानदार स्टाइल इसे राइड करने वाले को भी बेहतरीन लुक देता है। इसी बाइक को कंपनी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए ग्राहक अपनी पसंद के हिसाब से बाइक को कस्टमाइज करवा सकते हैं। ग्राहक द्वारा आखिरी डिजाइन चुन लेने के बाद कंपनी इसे ग्राहक को डिलीवर करेगी। इसके अलावा ग्राहक इस बाइक के कुछ पुर्जे अलग से भी लगवा सकते हैं। जेम्बॉन ब्यूरे मोटरसाइकिल 4 साल पुरानी कंपनी है और कस्टम मोटरसाइकिल बनाने के व्यापार में लगी है। पूरी तरह तैयार होने के बाद अनुमान है कि ग्लोरिया एक बार चार्ज किए जाने पर 100 किमी तक चलाई जा सकेगी।